सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर करना, वो भी एकदम DSLR जैसा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी फ़ोटो को बैकग्राउंड ब्लर करना, वो भी जस्ट वन क्लिक में एकदम DSLR की तरह, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना होगा, और दोस्तों आपको सिंपली फ़ोटो रूम ऐप को ओपन कर लेना होगा, जो कि आपको इजीली दोस्तों प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप इसको वहां से ले सकते हैं। तो जैसे आप दोस्तों फ़ोटो रूम ऐप को ओपन कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। ये दोस्तों नीचे आपको स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी आपके सामने ओपन होगी। तो सिंपली आपको आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो उसको ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने फ़ोटो ऐड कर लिया। ये देखे दोस्तों, जस्ट वन क्लिक में हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो जैसा आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी ओरिजिनल फ़ोटो जो कुछ इस तरह से थी, और दोस्तों इसके जस्ट वन क्लिक में हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। तो ये हमारी दोस्तों फ़ोटो कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड को दोस्तों ब्लर करना होगा, वो भी DSLR जैसा। तो दोस्तों, यदि आपकी नॉर्मल फ़ोटो फ़ोन से क्लिक करी हुई फ़ोटो है, तो आज दोस्तों DSLR की तरह ब्लर करना बता देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना होगा। तो आपको दोस्तों कोने में बैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अब दोस्तों आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना होगा, आपको नीचे की तरफ आ जाना होगा। तो सिंपली आपको फ़ोटो एडिटिंग क्लासिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, तो सिंपली आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने दोस्तों सबसे पहले नंबर वन पे ब्लर का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों, जैसे आप ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो जस्ट वन क्लिक में हमारा फ़ोटो एकदम DSLR जैसा ब्लर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप दोस्तों इसको कुछ घटाना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप फ़ोटो को घटाना बढ़ाना है, अप डाउन लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो एक बार फिर दोस्तों फ़ोटो पर क्लिक कर लेंगे, इसको दोस्तों अप डाउन लेफ्ट राइट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर बैकग्राउंड को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार बैकग्राउंड पर फिंगर को टैप कर लेंगे, तो दोस्तों ये बैकग्राउंड को आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारी अभी बिफोर फ़ोटो कैसी थी, आप लोगों को दिखा दें। ये हमारी आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है, और ये हमारी दोस्तों बिफोर फ़ोटो कुछ इस तरह से थी, जो कि एकदम फ़ोन से क्लिक करी हुई थी। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, और ये देखिए हमारी बिफोर आफ्टर फ़ोटो जो है वो एकदम DSLR जैसी ब्लर हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको कर देना होगा, अब आपको दोस्तों इसको डन कर देना होगा। और फिर सिंपली आपको बैकग्राउंड पर दोस्तों फिंगर को टैप कर लेंगे। और जैसे आप बैकग्राउंड पे फिंगर को टैप कर लेंगे, आपको दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना होगा। तो सिंपली आपको एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, और फिर आपको इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे दोस्तों, 43। और फिर सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको वर्म्थ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको वर्म्थ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी वर्म्थ की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों कुछ इस तरह से, इसको कर देंगे 43। और फिर सिंपली आपको ह्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली दोस्तों आपको ह्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, और फिर आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों, इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे दोस्तों 30। और फिर सिंपली आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्यारे दोस्तों आपको डन कर देना होगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी दोस्तों बिफोर फ़ोटो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। हमारी बिफोर फ़ोटो ये कुछ इस तरह से थी, और आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है, वो भी जस्ट वन क्लिक में। तो अब सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो को दोस्तों कर लेना होगा सेव। तो ये हमारी दोस्तों फ़ोटो जो सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना होगा। और अब दोस्तों क्या करना होगा, आप सिंपली इस फ़ोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेंगे, वहां से दोस्तों बैकग्राउंड का कलर चेंज करना बता देंगे। तो दोस्तों इस फ़ोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों लाइटरूम ऐप के अंदर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमने ये फ़ोटो लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लिया है। तो जैसे आप दोस्तों फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देन दोस्तों आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर सिंपली आपको दोस्तों लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और फिर आपको इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों -15।
और इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे +27, और दोस्तों इसकी शेडोज की वैल्यू को कर देंगे -18, और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू को कर देंगे +23, और देन दोस्तों आपको इसकी ब्लैक्स की वैल्यू को कर देना होगा -16, और फिर सिंपली आपको लाइट के ऑप्शन को कर देना होगा डन। फिर सिंपली दोस्तों आपको कलर टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसके टेम्परेचर की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +8, और फिर आपको इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +8, और फिर आपको मिक्स टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। आपको इसकी स्किन टोन को सही करने के लिए आपको ऑरेंज टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों -16, 17, और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों बढ़ा करके इसको कर देंगे +40, और फिर सिंपली आपको येलो टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +100, और आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को दोस्तों कर देना होगा हल्का सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे दोस्तों +19, और फिर सिंपली आपको ग्रीन टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +100, और आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना होगा एकदम से कुछ इस तरह से दोस्तों, इसको घटा देंगे, इसको कर देंगे माइनस की तरफ ले जाएंगे, इसको कर देंगे दोस्तों -39, और फिर सिंपली आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्यारे दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको सिंपली कलर टूल के ऑप्शन को कर देना होगा डन। और फिर आप लोगों को दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों हमारी बिफोर और आफ्टर में कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारी दोस्तों फोटो जैसा आप देख पा रहे होंगे बहुत ही परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो आप दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्यारे दोस्तों डिटेल के ऑप्शन को टच कर लेना होगा, और इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको नॉइज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको नॉइज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, और फिर आपको इसकी नॉइज़ रिडक्शन की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +39, और इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देंगे +22, और फिर सिंपली कलर नॉइज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों, इसको कर देंगे हल्का सा दोस्तों बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +19, और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को कर देंगे बढ़ा देंगे इसको हल्का सा, इसको कर देंगे +77, ताकि दोस्तों हमारी जो फोटो है वो एकदम से स्मूथ हो चुके। तो आपको सिंपली डिटेल के ऑप्शन को कर देना होगा डन। अब आपको दोस्तों हमारी फोटो एकदम बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी एकदम DSLR जैसी दिखने लगी है। या जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो कैसी थी और एडिट होके ब्लर होके और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब सिंपली हमारी फ़ोटो बहुत ही प्यारी और सुंदर दिखने में लगने लगी है। तो आपको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके दोस्तों आपको इस फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेना होगा। तो सिंपली आपको सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना होगा। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।